What's up everyone, welcome back to our new vlog. So ji, main te daddy ja rahe haan pind de matha tekan, apan matha vi tekan na pehla. To daddy nu udhar bahut time ho gaya, daddy thoda theek nahi recover kar gaye ne, almost thoda bahut hi bas reh rahe hai, bas go matha tekan ke kar jaunga. Main te daddy ja rahe hain kalle kanchan ghar pe. Ha ki sofa ka cover ka color and ye wallpaper both are same now. ये तो आज मैंने देखा है, मैंने कहा यार ये भी ग्रे हो गया है ना, ये है नहीं इतने अच्छे, मतलब ये बहुत पतला कपड़ा, ये सोफे राजवीर वो वाले है ना, इसपे मोटा कपड़ा चलता है, ये बहुत हल्का लाइट सा कपड़ा है ना, फट गया ना जल्दी, इस पे ये नहीं चलते, इस पे ना वही वाले जैसे वो मम्मी का पहले कवर नहीं लगा हुआ था, जो मम्मी ने लगाया हुआ है वही कवर होते हैं। व्लॉग में भी नहीं दिखाया, जब ये हमने वॉलपेपर ना ऐसा वॉलपेपर पूरे, तब तो व्लॉगिंग थोड़ी ना करते थे, पूरे घर पे करवा दिया था भाई साहब, गिफ्ट रैप कर गिफ्ट रैप उतारा था, पूरी दीवारों पे लगा दिया था, पूरे हॉल की सारी दीवारों, यहाँ पे भी इधर भी, हाँ सारा हॉल ही पूरा ऐसा दे रहा, जैसे पता नहीं किसके राज, पता नहीं क्या दे रहे, ब्लैक रूम बन जाता कलर तो बहुत अच्छा था, ये मेहंदी कलर ग्रीन वाइब्रेंट, बोलते हैं सुनो तो सही, ये वाला ये तो फिर भी ठीक है, हाँ ये ठीक है, ये तो बिल्कुल ही डार्क ब्लैक है, मेरी बात तो सुनो, क्या कहते हैं ये जो ब्लैक कलर है ना, क्या कहते हैं, क्या बोलने लगी थी यार, बात भूल जाती हूँ मैं, चरखा देख रही, भूल गई गाइस, चरखा देख रही, हाँ मैं देख रही हूँ, इसे तो ओरिजिनल चरखा है, इसे क्या हमारे गाँव का धागे, तो इसी पे चलाता था, चलो यार गांधी का चरखा ये हम ऑक्शन से लेके आए थे, चलो ना तुम कहाँ से लेकर आए थे, ऑक्शन में वो ऑक्शन हुआ था, ये चरखा गांधी ने तो तुमने संभाल के इसलिए निशानी रखी हुई है, या आई सी, ओ यार तो मजाक लग रहा है, मैं पूछवाता हूँ डैडी को, चलो ना यार, डैडी जब छोटे थे ना सारी फैमिली से दादी होने वैसी गई थी, ये गई थी सारी गुजरात, अच्छा और वो ऑप्शन तो लेके आई थी, मैं पूछवा देता हूँ डैडी, इनो दसो ये जड़ा चरखा का गांधी दा नहीं है, कहे हां गांधी दा चरखा नहीं है, गांधी दा हां हुण तो अपना है, हुण तो अपना है, पहला गांधी दा हुंदा सी ये, यहाँ पे पड़ी थी टॉफी, इधर मम्मी रखती है, इधर मैं भी ढूंढती रहती हूँ, इधर ये दिन ना मेरी, ये क्या है, ये रही डाबर हनी, ये लो मम्मी, मम्मी कोने कोने में रख देती है, मैं ढूंढ लेती हूँ, चलो सी यू, आते हैं जल्दी, ओके, पानी ले लिया, जी पहुंच के पिंड मत्था टेकन और बस निकलते हैं अभी, पहले हम गाड़ी वहां पे खड़ी कर देते थे सड़क पे, लेकिन आज यहां तक ले आए क्योंकि डैडी के पैर की वैसे इतना चलना पड़ता है, अदरवाइज प्रेशर आते बहुत ज्यादा ना पैर पैर पे, तो जी ये सब सब लिखे हुए हैं, पता नहीं आधी जगह तो पेंट हो गया, साढ़े बेबे की संदूक बहुत पुरानी है, अभी तक लेकिन ये सब तो हमारे दादे दादी के टाइम की पड़ी है सारी, छत तो देखो ऐसी होती थी पहले, इधर टीवी लग गया होंगे सी, इधर होंगी थी रसोई, इधर सी रसोई, इधर
ਇਹ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੇਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਰਦਾਦੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਬੇਬੇ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਢੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਕੀ VICKY ਐਂਡ ਅਮਨ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਕੀ ਐਂਡ ਅਮਨ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਪੇਟੀ ਵਾਲੇ ਚਲੋ तो जी यहाँ बन रहा है अभी डैडी के लिए फिर से बेसन का हलवा तंशन बना रही है पिछली बार मम्मी ने बनाया था तो मैं वही बोला चम्मच वगैरह गिन के डाल के ना तीन चम्मच हो जाएंगे डैडी कह रहे हैं दो टाइम खाएंगे ना एक अभी एक थोड़ा सा अभी खाएंगे थोड़ा उसके बाद खाएंगे रात को भी खाना है क्या तो इससे ज्यादा तो नहीं बनेगा इतना सही बनेगा ये नहीं पानी डाल के बनेगा कहीं ज्यादा ना बने चार चम्मच होगी पांच चम्मच होगी इधर दिखा दो मैं डैडी को एक बार ये नहीं कि इतना ज्यादा हो जाए फिर वेस्ट चल जाए हां हां मम्मी को पूछ लेना अगर मम्मी खाएंगे मैं बाहर जा रहा हूँ ठीक है सामान लेने अगर मम्मी खाएंगी पांच चम्मच और डाल देना पैन के अंदर ना घी डालो दो चम्मच जो जितने भी डालने हैं जो थोड़ा बनाना हो उसके हिसाब से उसके बाद उसके अंदर बेसन डालो कि जब घी वो पक जाए ना गर्म हो जाए तो उसके अंदर बेसन डालो बेसन इतना डालो उसमें क्योंकि जो बिल्कुल जो घी के साथ में ना और उसके बाद उसको भूनो भूनने के बाद तो अलग जो पानी गर्म किया है जो पानी है उसमें पहले जो मीठा है जो ये स्टीवी है वो पानी के अंदर मिक्स कर लो पानी में मिक्स कर लिया फिर उसके बाद धीरे धीरे डालो पानी और हिलाते जाओ तो आपको आपको लगेगा कि सही हो गया उस टाइम बंद कर दो कंचन ने दो बारी बनाया गाइस आज बनाया था बेसन का जो हलवा ना वो हो गया फेल क्योंकि पहले तो वो हो गया कुछ ज्यादा ही भुन गया अलग हो गया क्योंकि कभी बनाया ही नहीं बेसन का बाकी क्या है ना जो पैन है ना पतला है हाँ जल्दी गर्म हो जाता है अच्छा तब जो है छोटी रखनी कम रखनी चाहिए एक बार जीरापुर हलवा बनाया आटे का ऐसे ही होता है तो पता नहीं है ऐसे ही होते हैं लेप वाला मैं खाना ना लेप वाला हाँ वो तो वो बनाते हैं ना जो अखबार से पकाते हाँ हाँ डैडी वही बन गया था अरे डैडी वो जो आटा नहीं होता ये वाला आशीर्वाद वाला ये इसमें होता तो मैदा है देखो ठीक है उधर वाले में होगा वो चिट्टे कलर का आटा होता है और जो गेहूं का आटा होता है ना वो प्योर ब्राउन देखना अलग कलर होता है बहुत डिफरेंस होता है कि ये वाले पैकेट वाले में और गेहूं वाले में हाँ फॉर्चून में भी वही होता है मैदा होता है इसमें भी गुरुद्वारे में जो प्रसाद बनता है ना हाँ जी उसका जो आटा तो मोटा आटा मोटा होता है वही गेहूं का ही तो होता है वो मोटा आटा हाँ उसी रोटियां भी ना थोड़ी सी आएंगे हो जाती है ठंडियां बहुत अजीब बहुत अजीब मैंने तुमको कहा तुम लास्ट टाइम थोड़ी सी अभी मुझे लगता अभी इसके अंदर ना प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं हाँ वो सेल्फ लाइफ टाइम बच दिया है इसलिए थोड़ी इतने महीने होती है सेल्फ लाइफ तभी बढ़ दिया ना और इसका कभी आटे का जितनी बार भी मैंने नॉर्मल आटे का बनाया ना चक्की से पीस के खाना चाहिए बाहर से आप पहले वही करते हैं गेहूं नहीं बट ये आटे का चलो ठीक है क्या कहते हैं हलवा जो होता है ना मेन गेहूं वाले आटे का ही बनाना चाहिए या सूजी का मैं गल करनी थी तुमको बताता हूँ आज आप तो पेंड गए की कबूतरा जी बाजी इनोवा कबूतर होते हैं चिट्टे कबूतर रखते हैं गांव में रखते हैं ना हाँ 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 उनकी भी कंपटीशन होता है कबूतरों का हाँ और जिनका मतलब हमारे हैं ना पड़ोसी उधर हाँ हाँ इनोवा जीती क्या हाँ कबूतर ने उनके क्या जो कबूतर पालते हैं ना हाँ तो जहाँ इनकी बाजी होती है मतलब जहाँ कंपटीशन होता है ना किसी गांव में कहीं दूर जहाँ भी है वहाँ जाते हैं अपना कबूतर ले जाते अपना कबूतर उसको कलर कर लेते हैं अपना ठीक है हाँ वो तो उसके बाद 10-15 जितने भी 20-25 जितने भी कबूतर होते हैं वो टाइम रखा होता है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक उड़ने चाहिए
आठ से पाँच बजे तक कबूतर उड़ते रहेंगे, उड़ते रहते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग नशा भी देता है, नशा मतलब आराम खिलाते हैं उनको, उसके बाद उड़ते रहेंगे। और उसमें क्या होती है शर्त, कोई टाइम रखा होता है, अगर किसी का कबूतर मतलब उसी एरिया में उड़ने चाहिए, अगर किसी का दूर नहीं जाना चाहिए, का कबूतर अगर उसमें टाइम रखा हुआ, उसका कबूतर अगर इतना टाइम गैप हो गया दिखा नहीं, वो बाजी से आउट, डिस्क्वालीफाई हो गया, क्योंकि कहीं बैठ के आके आ सकता है कबूतर, बैठ के आ सकता है। ये तो मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा है, मैंने पता सीखा छोटे होते होते, फिर उसके बाद जो सबसे लास्ट में बच जाएगा वो जीतता है, मतलब जो एंड तक उड़ता रहेगा। और सोचो इनोवा, इनोवा जीत के किन पड़ोसियों ने कहा, यहाँ या गांव में, ये तो गांव में हैं, आज गए थे ना, बैंड गई थी, ये तो घर बैठे बैठे लॉटरी लग गई उनकी, हैं कबूतर बैठे नहीं लगी, कबूतरों की में बिजनेस हो गया, वो कबूतरों का फुल टाइम बिजनेस है, फुल टाइम बिजनेस है। अरे इनोवा 20 लाख रुपए जीत रहे हैं, ऑब्वियसली हो गया ना, पहले मैं छोटे होते भी हुंदा सीगा, मैं देखा सीगा, पर इतने बड़े कंपनी कितना बड़ा इनाम नहीं होता था, इनाम बहुत छोटे हुंदे सी, हुन तां इनोवा तक पहुंच गए, जैसे कुत्तों के भी होते हैं रेसिंग रूसिंग, उसमें भी तो वो जीते हैं ना, ये बहुत फेमस है कबूतर, कबूतरों वाला चिट्टे कबूतर होते हैं, मतलब पंजाब में होता है, हर जगह होता है, पूरे पंजाब में होता है, बाहर का नहीं पता ना, पंजाब में होते हैं, हरियाणा में भी शायद होता होगा, तो ये इनकी ना ट्रेनिंग होती है कबूतरों की, कॉम्पिटिशन से पहले रोज उड़ाते हैं, पता देख के आयो कबूतर, फिर देखे हमने तो बचपन में, शुरू तो है ना, उन्होंने बोलता हूँ बचपन से, हम तो ऐसे पकड़ते पकड़ते भी थे, घर पे ही रखते होंगे, फिर तो होता है खुड्डा बनाया होगा, क्या बनाया होता है खुड्डा, अच्छे से फिर तो वो करते होंगे उसकी देखभाल सेवा सुबह अच्छे से है, 30-40